केंद्र सरकार ने हाल ही में लेटरल स्कीम के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों के लिए आवेदन जारी किए। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। सियासी पार्टियों द्वारा लेटरल स्कीम के जरिए सीधी भर्ती को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव और मायावती ने इसका खुला विरोध किया है। अखिलेश यादव ने जहां इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी देते हुए 2 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं मायावती ने कहा है कि दलित शोषित का हक मारा जा रहा है, साथ ही इस मुद्दे को संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि लेटरल स्कीम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी सरकार ने यूपीएससी में साल 2018 में लेटरल स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके जरिए यूपीएससी के 45 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है, जिसमें 3 स्टेज होते हैं। पहले प्री एग्जाम देना होता है, जिसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है और इसके बाद इंटरव्यू होता है। हर साल लाखों की तादाद में छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही कामयाब हो पाते हैं। हालांकि स्कीम के जरिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को सीधी भर्ती दी जाती है। हम आपको बता दें कि स्कीम में वो कॉरपोरेट कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यूजी की डिग्री हो और उन्होंने संबंधित पद और सेक्टर में कम से कम 15 साल काम किया हो। स्कीम के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के पदों पर भर्ती की जाती है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने जमकर विरोध किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। अखिलेश यादव ने देश भर में अधिकारियों और युवाओं से आग्रह किया है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारा साथ दे। उन्होंने कहा है कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की होती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने स्कीम का जमकर विरोध किया है और उन्होंने स्कीम के खिलाफ 3 बातें सामने रखी हैं। मायावती ने कहा है कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC ST और OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुसार अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगी। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि इस स्कीम के जरिए मोदी सरकार पर्दे के पीछे से RSS के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भर देना चाहती है। ऐसा करके वह सरकारी नियुक्तियों में संवैधानिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवाओं की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम SC ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। हम आपको बता दें कि विपक्ष ने लेटरल स्कीम की आलोचना की है। पार्टियों ने कहा है कि यह स्कीम अपनी विचारधारा वाले लोगों को बैकडोर के जरिए सरकार ऊंचे पदों पर समायोजित करने की कोशिश है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर को इस मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार से इसे वापस लेने का दबाव बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।